गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू रामी चैनल। और आज 17 तारीख है, तो सुबह सुबह हम उठ गए हैं 10 बजे। तो यहाँ गाइज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। रात में तो आई थिंक माइनस में भी टेम्परेचर चले गया था। तो रात में हम 2 कंबल ओढ़ के मस्त से सो गए थे, और अभी 10 बजे उठ रहे हैं। काफ़ी लेट हुई हमें उठने में, क्योंकि रात में हम थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर रहे थे, डांस वगैरह। तो मैं आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो अभी मॉर्निंग में अच्छा खासा यहाँ पर व्यू है, धूप आ चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने, देखो ये हमारी है बालकोनी। हमारी विंडो से निकलते ही बाहर का व्यू दिखता है, और थोड़े बहुत यहाँ बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि कल रात को हमने लेट खाना खाया था, तो वो वापस लेने के लिए आ नहीं पाया जो भी यहाँ पर वेटर वगैरह हैं। तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था कि कौन कौन सी लोकेशन पर हम जाएंगे, तो 4 लोकेशन थी, जलोरी, मिनी थाईलैंड एंड वाटरफॉल और 360 व्यू। तो आज गाइस हम सब उधर जाएंगे, और आपको भी आपके साथ भी सारी वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पर। तो गाइस वी आर वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हमें मनाली से ज़्यादा इतना ज़्यादा मज़ा आया है। 3 घंटे कल लास्ट नाइट हमने इतने इन्जॉय करें। तो हम आपको भी रिकमेंड करेंगे, आप भी चीज़ें जरूर आइए, एक बार तो जरूरी आए यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करें। मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो गया है, क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोए हैं, डांस वगैरह कर रहे थे, बाहर काफ़ी ठंडा हो रहा था और हम डांस कर रहे थे। उस टाइम तो इतना फील नहीं हो रहा था, बट अब लग रहा है गला थोड़ा ख़राब सी हो गया, आवाज़ चेंज हो चुकी है। तो बस अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो इसके बाद निकलते हैं अपने सफर। हेलो एवरीवन, तो मैं हो गया हूँ रेडी, पूजा होने गई है रेडी। तो आज हम फुल ड्रेसअप हो गए हैं, क्योंकि परसों हम जब रोहतांग टनल के लिए गए थे, हम नॉर्मली जैकेट वगैरह पे चले गए थे, और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। और वैसे तो हमने 10 बजे का अपना प्लान था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, जो हमने लोकेशन डिसाइड की है, बट धीरे धीरे लेट हो गई। अभी हम थोड़ा वॉक के लिए गए थे, तो रोड पर हमने थोड़ी बहुत रील वगैरह शूट कर ली, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया। आप पूछे पता नहीं कितना टाइम लेगी रेडी होने के लिए। तो भाई साहब मुझे बताओ कि मेरा ड्रेसअप कैसा है और कैसा मैं लग रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। पूजा कह रही थी कि आलू के परौठे से खाने हैं, तो आलू के परौठे और चाय हम खाएंगे ब्रेकफास्ट पे। हम अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे हैं दिन के 12 बजे। 12 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट में हम यहाँ पर आलू के परौठे खा रहे हैं और चाय, तो मैंने टेस्ट कर लिए हैं, परांठे काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी अच्छा लगा खा रहे। पूजा खाने के लिए तैयारी कर रही है। हाँ, तो दोस्तों हम निकल चुके हैं। हमने अभी यहाँ पर गाड़ियों में, मतलब यहाँ गाड़ी वालों से पूछा कि जलोरी तक क्या चार्जेस वगैरह लोगे, तो यहाँ पर 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं जलोरी जाने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे मनाली की तरह ही बाइक रेंट पे ले लें, और खुद से हम ड्राइव करें, खुद से 3-4 लोकेशन घूमें, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम भी है। वहाँ तो हमने 3 बजे ली थी बाइक रेंट पे, और हम अपने कंफर्टेबल हो गए, हम 2 लोग आराम से जा भी सकते हैं, ना टाइम का इशू ना कुछ, और अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर जीबी बाजार में, यहाँ पर बाइक रेंट पे मिल जाती है, तो देखते हैं कहाँ मिलेगी। We are searching. ढूंढ कुछ और रहे, मिल कुछ और रहे। तो गाइस फाइनली हमें वो शॉप मिल गई है जहाँ पे बाइक रेंटल रेंट पे मिल जाती है। सी दैट तो दोस्तों हमने बाइक यहाँ से सिलेक्ट कर ली है, पल्स बाइक है, और ये मैम है हमारे साथ, ये हमारे घर की हैं। हेलो। हाँ मैम, आपका गुड नेम? हिमा जी ने हमें काफ़ी अच्छी बाइक सजेस्ट की है, तो जब कोई भी अभी यहाँ आए तो यहाँ रेंटल बाइक करके शॉप है। और हम चलते हैं जल्दी के लिए, थोड़ा लेट है, कोई देखते हैं आज हम कहाँ तक जा पाते हैं। कोशिश करें कि थोड़ी जगह स्टॉप करें, जाएँ सारी जगह।
आज से पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं करा मेरी पूरी लाइफ में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूँगी। यहाँ पे अक्सर मुझे लगता है होता रहता होगा लैंडस्लाइड वगैरह। तो दोस्तों हम जलोरी पहुंच गए और जलोरी के पास ये महाकाली नंदी का महाकाली माता का मंदिर है। तो हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अंदर। चलो तुम आगे चलो। यहाँ पर ये सारी शॉप्स हैं, यहाँ से आप गर्म कपड़े ले सकते हैं कभी फ्यूचर में आएंगे तो। ये हमारे आंटी है, पहाड़ी आंटी। तो ऐसा कुछ ट्रैक है, पूजा आगे आगे चल रही है, यहाँ से 20 मिनट का ट्रैक है। तो देखिए गाइस, अभी हमें ऊपर 360 व्यू जाना है। तो लोग तो काफ़ी डर रखे हैं कि ऊपर जाएंगे वापस आते रहते हैं अंधेरा हो जाएगा काफ़ी ठंड, क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो होप सो आज स्नोफॉल भी हो सकती है। यहाँ पर ये हर जगह में थोड़ी थोड़ी दूरी में दुकानें हैं, यहाँ से गर्म गर्म कपड़े मिलते हैं। तो गाइस कुल मिला के मज़ा आ रहा है। अरे कहीं वापस आते समय देर ना हो जाए, फिर और ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोकेशन में पहुँच के थोड़ा बहुत वहाँ पे फोटोग्राफ ये सब चीज़ करके और आपको दिखा के वहाँ पे 360 व्यू वापस आ पाए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, शांति सी सी दैट। ये वैसे एक्चुअल उत्तराखंड की तरह ही है, बट यहाँ चीड़ के पेड़ नहीं है। ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ के है, तो हम दोनों भी अभी भी चल रहे हैं हौले हौले, कोई नहीं है दूर दूर तक, बस मैं और बीबी जी, मैं और मेरी जान। ट्रैकिंग करते करते पूजा को धक्के लग रहे हैं, और हम 1.5 किलोमीटर कम से कम क्रॉस कर चुके हैं, पर अभी भी 360 व्यू आएगी।
चली गए, खुला जंगल है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बस मैं और पूजा। अभी वापस आपको दुनिया में किसी ना किसी के साथ आना पड़ेगा, अकेले आना इस रास्ते से खतरे से खाली नहीं है। और हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं, जैसे कि हमारे दो आईफोन हैं हमारे पास और गोल्ड पेंडेंट है, हमने दो इस रास्ते में थोड़ा डेंजर है। और ठीक है, वैसे तो हिमाचल है, हिमाचल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट खतरे का कोई पता नहीं होता कब आ जाए, कैसा आ जाए, किस जगह आ जाए। और जंगल में तो खासकर खतरा होता ही है, जैसे जानवरों का भी होता है, लेपर्ड वगैरह। यहाँ पर जैसे पहाड़ों साइड में तो बाघ वगैरह होते ही हैं। तो जो हमारे भी फ्रेंड्स बने थे वो भी हमसे थोड़ा आगे भी चल रहे हैं, बट वो आगे निकल चुके हैं क्योंकि इनके पास गाड़ी थी अपनी, तो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। हम हैं गरीब, वो हो देख। हाँ तो दोस्तों, हम 360 व्यू से काफ़ी आगे आ गए, वो हम पीछे छूट गया, हमसे हमें भी इतना ध्यान नहीं रहा, वो पीछे ही छूट गया। तो आगे एक लेक है, कौन सा लेक है आगे? सालसा, सालसा लेक है। अरे मुझे भी नाम उसका ढंग से पता नहीं है, वहाँ जाके मैं दोबारा से रिपीट कर लूँगा नाम। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है और टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पीछे रह गए हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हम तो लेक तक जाएंगे ही जाएंगे, यानी आओ तो आप लोगों को भी लेक दिखाएंगे हम। और पूजा चल रही है पूरे जोश के साथ, ये तो नहीं गए होंगे। तो अभी मैं इस मौसम को देखते हुए थोड़ा हम थोड़े रोमांटिक हो रहे हैं, तो मैं पूजा के लिए गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। तो गाइस केयरफुली सुने, तू मेरी हीर मैं तेरा राजा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा, सॉरी। आई नो मैं, मेरी सिंगिंग थोड़ी खराब है पर ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। पूजा को अच्छा लग रहा चाहिए, तो अभी गाना गाना, हाँ तो पूजा भी अब मेरे लिए गाना गाएगी, तो स्टार्ट। कौन सा? ये लो, अरे सोचने में ज़्यादा टाइम लगा। मैंने खुद को दे दिया है तुझको, मैं तेरी तू तेरी, कटे ना कटे नेता है ये करवटे, दिन मेरा दिन मेरा, आ तुझ में देता हूँ रतिया, दिल को सुनाए बतिया, आ तुझ में देता हूँ रतिया, पर इसको इतना ही आता है, इसको लिरिक्स नहीं आते। मेरी राहे, तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताएं हम दोनों में से अच्छा गाना किसने गाया है। आई नो आप लोग मेरे को ही सपोर्ट करोगे, नहीं गाइस मैं जानती हूँ, मेरा ही नाम लोगे। सो मैनी पीपल सेज के मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूँ, कुछ भी मेरी अच्छी आवाज है, पूजा से तो अच्छी ही करता हूँ मैं। अच्छा, तो देख लेते हैं पब्लिक इसको सपोर्ट करती है। सपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंपिंग वगैरह होती है, तो ये सारी यहाँ पर सारे लोगों ने कैंपिंग वगैरह कर रखी है। और यहाँ पर थोड़ी धूप भी आ रही है, अभी तो बहुत ठंड लग रही थी, अब यहाँ थोड़ी राहत है, बट पता नहीं धूप कब तक रहेगी, बिकॉज हमें टाइम से वापस भी निकलना है, अंधेरा होते ही बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है यहाँ पर। लोगों से सुना था आज या कल में यहाँ पर स्नोफॉल भी होने वाला है, इस बार लेट हो गया यहाँ पर स्नोफॉल, अभी तक नहीं तो काफ़ी बर्फ यहाँ पर हो जाती है। नो नो भाई, नो भाई, पे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, लाइक अ 360 व्यू। इससे 2.5 किलोमीटर आगे लेक है, तो वहाँ जाएंगे, जल्द से जल्द हम उसे रिकवर कर लेते हैं।
गाइस तो अब हम लेक की तरफ के लिए बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है लेक, तो देखते हैं अब हम निकल गए यहाँ से कब तक वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है, तो देखते हैं हम कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है, ऊपर काफ़ी अच्छा व्यू था, हमने बहुत सारी फोटोग्राफी ली है, बहुत मज़ा आ गया। तो वो सारी चीज़ शेयर करेंगे, आप हमारी आईडी पे भी जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे 2023 सेम हमारी इंस्टा पे भी आईडी है, और हमारी पर्सनल आईडी है ओमी आर्या 31 एंड योर रा 50 39। तो आप वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ हम अपनी फोटोग्राफ सारी वहाँ डालेंगे। अभी लोग आ रहे हैं, वहीं लेक से आ रहे हैं। यहाँ से कितनी दूर और है, बहुत दूर है, तो लोगों ने डरा दिया हमें कि अभी बहुत दूर है, बट ठीक है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू तो हम लेके नहीं आए, बट लोग अपना मुरझाया हुआ चेहरा देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी थक गए हैं। तो अभी भी हम जो लेक तक पहुँचे नहीं हैं, 1 किलोमीटर हमने और कवर अप कर लिया, अब अच्छी खासी ट्रैकिंग हो रही है, खड़ी चढ़ाई आ रही है, तो होप सो कि हम आधे घंटे में पहुँच जाएं लेक के पास। सूरज भी ढल रहा है धीरे धीरे, और जंगल और घना होते जा रहा है, तो काफ़ी एडवेंचर हो रहा है यहाँ पर। सी किलोमीटर और है, ऐसे लोग आ रहे हैं थक थक के, हमें वहाँ पे व्यू बहुत अच्छे हैं और वहाँ हमें बर्फ़ वगैरह भी दिखने के लिए मिल जाएगी, तो ठीक है। हमने इतना थोड़ा स्ट्रगल किया है, तो वहाँ पर हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा, वर्थ ही होगा। क्योंकि जो उनकी फ्यूंसी है वो काफ़ी थक जा रही हैं, हाँ उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी है इसलिए, और हम सोच रहे हैं कि साथ बना रहेगा, साथ साथ में चलेंगे जाने का भी, आने का भी। हाँ तो हम थोड़ा उनके भी सोच के आराम से चल रहे हैं, वेट करते करते। तो ये सारे लोग ही रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से,
गाइस तो आपको पता है हेवन क्या है, तो बहुत जल्दी मैं आपको हेवन दिखाने वाला हूँ। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लेक के पास और ये बहुत ज्यादा ऑसम है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ये व्यू हमें मतलब इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। गाइस देखो मतलब ये जो लेक है पूरी फ्रोजन है, पूरी फ्रोजन। क्या वहां से चक्कर लगाते हैं? एक राउंड लेट्स सी। हां कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यू इंडिया में था ही नहीं, था ही नहीं। तो देखो मतलब सामने से अगर बिल्कुल फ्रोजन नहीं 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 बस बहुत है। ये देख, अरे आप तो बिल्कुल ये गया। गाइस तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर या झील के पास किसी भी चमड़े और बेल्ट वगैरह मंदिर के अंदर ना ले आएँ और जूते यही बाहर उतारने हैं और सर पे कोई कपड़ा रखना है। तो ये यहाँ पे इसके लिए ऐसा लिखा हुआ है कि मैं इसके अंदर ना जाएगा, तो वो चीज़ फॉलो करते हुए शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ पर ठंड और बढ़ गई है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, तभी यहाँ पर ये जो लेक है पूरी जमी पड़ी है। तो अब यहाँ से टाइम से निकलना पड़ेगा और अपनी बाइक के पास पहुँचना पड़ेगा, जिससे अभी भी अभी ड्राइव करनी है तो नीचे 12-13-14 किलोमीटर है, तो उतना भी ड्राइव करना है, तो हम आराम से नीचे चलेंगे। और देखो गाइस मैंने पूजा की दुआ से मांग भर दी है माता के सामने और पूजा की यहाँ पे भी नाक भी गिरी है, तो दैट साइन ऑफ के भगवान जब खुश होता है तो तब आपकी ऐसे नाक पे सिंदूर गिरता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। हम बस उनकी बातें आगे पास कर रहे हैं, तो बस आज हम माता रानी के दर्शन कर लिए हमने शादी के बाद, वही फॉलो वही चीज़ें फॉलो की हमने, जैसे कि माता वैष्णो देवी के वहाँ जाते हैं हम, तो हमें इतना बड़ा ट्रैकिंग होती है ऊपर से जाना पड़ता है, सेम यहाँ पे भी है, सेम माता का मंदिर 5 एग्जैक्ट यहाँ पर 5 किलोमीटर है जलोरी से, जलोरी से 5 किलोमीटर ऊपर है। तो गाइस अब हम टाइम से यहाँ से निकलते हैं और सबसे बेस्ट तो मंदिर था, मैं उनसे कह रही थी कि चलो कोई मंदिर भी चलेंगे और फाइनली यहाँ आके हमें मंदिर मिला और इतना अच्छा और यहाँ पे इतना सुकून मिला, तो ऑटोमेटिकली भगवान हमें अपने पास खुद लोग बुला ही लेता है कहीं पे भी हम जाएं, तो ये कनेक्शन तो है उनका बुला लेता, मुझे तो पक्का बुला लेता, इनको भी जाना पड़ता है तो जबरदस्ती। निकलते हैं घर से, तो हो सकता है हम वीडियो भी शूट ना कर पाए क्योंकि हमारी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है, पूजा के फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है और मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट फुल है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं एडिटिंग की नहीं है, वो डिलीट करनी है। तो दोस्तों अभी ऊपर आते समय हम बहुत थक गए हैं, तो वापस जाते समय हम एक चाय पी रहे हैं, यहाँ पर हमारे एक जो फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी थक चुके हैं,
तो एक चाय पियेंगे, अच्छी खासी एनर्जी लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र और निकल पड़ते हैं। अब वैसे भी घर ही जाना है और ठंड बाय बाय बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हम यहाँ अगेटी का सहारा लेके फिर से आग सेक रहे हैं और देखो ऐसी वाइफ जो कहाँ मिलेगी, मैं केयर कर रही है। वैसे ये तो नया नया गाइस कैमरे के आगे दिखाने के लिए बार बार हमारे भैया जी बना रहे चाय। भैया हेलो कर दो। हाँ भैया जी चाय बना रहे हैं हमारे बढ़िया मंत्र मार के, जो हमारी ठंड जो हमारी ठंड भगाएगा और हमारे अंदर फुर्ती लाएगा। तो अब देखते हैं भैया की चाय हमें कैसे ऐसे करती है। और भैया का ये छोटा सा आसियाना है जहाँ पर भैया रहते हैं यहाँ पर ठंड में। गाइस तो अंधेरा हो गया है, सनसेट हो रहा है देखो सामने। और अभी हमने सिर्फ 500 मीटर क्रॉस किया है, 4.5 किलोमीटर अभी हमने और चलना है नीचे। तो अंधेरा होते जा रहा है और ये घना जंगल, और हम चार लोग निखिल शेर और पूजा और मैं, हम चार लोग हैं। बाकी आगे भी थोड़े बहुत लोग चल रहे हैं। ये एम्बियंस इतनी प्यारा दे रहा है, रेड सी देखो हमारे मुंह फेस पे पड़ रहा होगा, तो काफ़ी प्यारा रिफ्लेक्शन है इसका। सनसेट बड़ा प्यारा आ रहा है सी, मतलब ऑसम व्यू है ये। हाँ तो हमारा हनीमून तो सक्सेसफुली हाँ काफ़ी मतलब यादगार बन गया है। हाँ और रोमांटिक भी। नीचे यात्रा करते अंधेरा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। सूरज बहुत ना के परसेंट रह गया है, 1% कह सकते हैं। अभी ये जंगल और घना हो जाएगा और हम चार लोग ही हैं इस जंगल में, तो मे भी 2 से 1.5 किलोमीटर अभी और रह रहा है हमारा रास्ता। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जलोरी ये माता के मंदिर में, और माता जी को सिर झुका के प्रणाम के हमें सही सलामत यहाँ पर पहुँचा दिया। इतनी डिफ़िकल्ट ट्रैक पे थे हम, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, रास्ता दिख नहीं रहा था, बट फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो गाइस अब यहाँ से हम अपनी बाइक से जाएंगे नीचे, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो इतनी एक्सट्रीम रोडिंग हम करते हुए जा रहे हैं, रात को अंधेरे में फंस गए थे। वो तो ये है कि हमारे साथ कल जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने इतना साथ दिया है, उनके कुछ फ्रेंड्स रुक गए थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स रुक गए थे, तो वो पीछे पीछे आ रहे हैं गाड़ी से। और यहाँ यस तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी आइस है, और इसे बोलते हैं एक्सट्रीम राइड। मैंने पहले ही बोला था ये हनीमून नहीं है, इट इज़ अ एडवेंचर फॉर अस। तो फिर देखिए हम कैसे जा रहे हैं रात को ऑफ रोडिंग करते हुए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए, वही कल की तरह। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है तो हम कंबल के अंदर ही डिनर कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर, फ्लैश लाइट डिनर, कैंडल लाइट भी नहीं फ्लैश लाइट। ओह माय गॉड तो हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिनर कर रहे हैं। और गाइस सॉरी कि हमने जो जो लोकेशन डिसाइड की थी वो हम कवरअप नहीं कर पाए, क्योंकि हम दिन में 1 बजे निकले थे, तो जो आज जहाँ पर हम जलोरी गए थे तो उसी में पूरा दिन निकल गया ट्रैकिंग वगैरह में ही, तो सारा समय उसी में चले गया हमारा। तो लेट्स सी कि कल हम पॉसिबल हो पाएगा कि वाटरफॉल देख पाएँ या तो उससे पहले निकल जाएँ दोनों। और हम काफ़ी थक चुके हैं, तो अभी भी वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो एडिट करते समय 2 घंटे हमारे ऐसे निकल गए, तो खाना भी हमारा ठंडा हो गया है। तो आई डोंट नो कि कल हम वाटरफॉल का ये सब चीज़ का शॉट ले पाएंगे या डायरेक्ट दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और प्लीज़
हम अपना मील इंजॉय करते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत और वीडियो लाइक अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि अभी भी हम ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह शूट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।